हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज शिल्पा सरोज। आज है 20 मार्च 2022 और आज के करंट अफेयर्स हम देखेंगे कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो फटाफट चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये वीडियो लोग भी देख पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि देखिए कल जो है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे हम देखेंगे, वो क्वेश्चन ये था कि हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। चीफ मिनिस्टर जो है वो है एम के स्टालिन जी। ओके, एम के स्टालिन जो है करंट चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू प्रेजेंट चाइल्ड बजट। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बन गया है पूरे कंट्री में, हमारे यानी इंडिया में पहला कंट्री बन गया है जिसने चाइल्ड बजट को पेश किया है अभी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बजट पास किया, उसमें चाइल्ड बजट को भी मेंशन किया है। ओके, तो ये पहली बार ऐसा हुआ। अच्छा, इनका जो एनुअल फाइनेंशियल प्लान था इसमें इन्होंने इस बजट को पेश किया है। तो अब कितना पैसा रखा है इसके लिए, तो 57,803 करोड़ इतना रुपये जो है इस पर खर्च हो जाएगा। और इसमें कितने स्कीम होंगे, 220 स्कीम्स होंगे इसमें, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा 17 डिपार्टमेंट में। एजुकेशन को लेकर 17 डिपार्टमेंट्स होंगे जिसमें स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है, जो कि 18 साल के कम के जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया है। ओके, और यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, बता दूँ आपको कि जिसने बजट पेश किया है, वो प्रेजेंट किया गया है बजट किनके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के, वो कौन है, जगदीश देवड़ा। ठीक, जगदीश देवड़ा जी के द्वारा पेश किया गया है बजट। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, ये पता आपको, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर बार मैं बताती हूँ, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स विद एमिरेट स्काई वॉर्ड्स लॉन्च बाय विच बैंक। तो देखिए, यहाँ पर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो एमिरेट स्काई वॉर्ड्स के साथ लॉन्च किया जा रहा है, तो किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ओके, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो है, इसने जो है लॉन्च करा है एमिरेट्स स्काई वॉर्ड्स आईसीआईसीआई बैंक्स क्रेडिट कार्ड। किसके पार्टनरशिप से, एमिरेट्स स्काई वॉर्ड्स के पार्टनरशिप से लॉन्च किया गया इसको। ठीक है, एक लॉयल्टी प्रोग्राम है अमीरात का और फ्लाई दुबई का। ठीक, इतना ईजी समझें कि ये जो क्रेडिट कार्ड है किसने लॉन्च करा है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, इतना जानना जरूरी था हमारे लिए। अब इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट यहाँ जाना कि आईसीआईसीआई बैंक जो है पहला मतलब बैंक बन गया जिसने एमिरात स्काई वॉर्ड्स के साथ पार्टनरशिप करी है। ओके, और ये ऑफर करा है एक्सक्लूसिव रेंज जो क्रेडिट कार्ड का मिलेगा पूरे कंट्री में, वो एक एक्सक्लूसिव रेंज में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 व्हाट द रैंक ऑफ इंडिया। देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ 2022 का, तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई इंडिया का रैंक क्या है। देखिए, इंडिया का रैंक जो है, देखिए यहाँ की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। ये कंट्री में सबसे टॉप कौन किया है, सबसे टॉप किए हैं फिनलैंड। ओके, उसके बाद फिनलैंड के बाद किसने किया है, तो डेनमार्क ने किया है। ठीक है, उसके बाद आइसलैंड ने किया है। ओके, स्विट्जरलैंड ने किया उसके बाद, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जाना जरूरी है, उसके बाद फिर हम आएंगे इंडिया के ऊपर। तो इंडिया ने कितना रैंक हासिल किया, 136 रैंक किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, यानी बहुत ही बुरी कंडीशन एक तरीके से देखा जाए इंडिया की तो। ओके, सबसे वर्स्ट कौन है, अफगानिस्तान। यहाँ पे देखिए 2021 में 139 था, उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति एक तरीके से देखा जाए तो। ओके, और आगे बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। वर्ल्ड स्लीप डे एंड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए, वर्ल्ड स्लीप डे जो है और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ओके, तो याद रखिएगा 18 मार्च को जो है वर्ल्ड स्लिप डे और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे दोनों ही मनाया जाता है, दोनों ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब वर्ल्ड स्लिप डे का थीम क्या है 2022 का, क्वालिटी स्लिप साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड, ये वर्ल्ड स्लिप डे का थीम है। थीम याद रखिएगा, क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछ रहता है कि भाई पर्टिकुलर जो डे बताया जाएगा कि कब ऑब्जर्व किया जाता है, उसका थीम क्या है 2022 का। ठीक है, तो 2022 में जितने ही पेपर होंगे उससे थीम पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का क्या थीम है, उसका थीम है रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। ठीक है, बहुत दो वर्ड का है, रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी, याद रखिएगा ये ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का मतलब थीम है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। विच कंट्री हैज़ रीस्टोर ई टूरिस्ट वीज़ा
दैट रिमेन सस्पेंडेड सिंस मार्च 2022। तो कह रहे हैं कि किस कंट्री ने अभी ई टूरिस्ट वीज़ा को फिर से रिस्टोर कर दिया है, जो कि सस्पेंड हो गया था मार्च 2020 से सस्पेंड था वो। तो वो कौन सा कंट्री है भैया? वो हमारा कंट्री भारत है, भारत ने ऐसा करा है। तो यहाँ पर देखिए, ई टूरिस्ट वीज़ा की बात हो रही है, तो 5 साल के लिए जो ई टूरिस्ट वीज़ा है और जो 150 कंट्रीज से आए थे उनको जो है नेशनल 156 कंट्रीज के जो मतलब हैं लोग, उनको जो है 5 ईयर ई टूरिस्ट वीज़ा का वैलिडिटी बढ़ा दिया गया है और इमीडिएट इफेक्ट के साथ किया गया, ये मतलब तुरंत इसको जारी कर दिया गया है। ओके, क्योंकि अभी कोविड पैंडमिक वजह से ये चीज़ें सस्पेंड कर दी गई थी, तो उसी को रिस्टोर कर दिया गया है। तो ये जो 156 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं कि वो फ्रेश ई टूरिस्ट वीज़ा उनको मिल जाए। ओके, अभी जो मिनिस्ट्री है इसने रेगुलर लॉन्ग ड्यूरेशन जो था 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा का, जो US और जापानीज नेशनल्स के लिए, उसको भी रिस्टोर कर दिया है। ये याद रखिएगा, ये जो है वीज़ा, ई वीज़ा, ई टूरिस्ट वीज़ा, ये अफगानिस्तान के लिए नहीं है। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल इनॉग्रेटेड इन विच आइसलैंड कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। देखिए, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल इनॉग्रेट किया गया है, तो कहाँ पे, किस आइसलैंड में इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो जैसे कि आप जानते हो, आप सभी जानते हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया गया था, किस नाम से किया गया था? अ ग्रीन ट्रायंगल के नाम से किया गया था, महात्मा गांधी के बाद। ओके, तो इसको इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? अंतरानारिवो जो कैपिटल सिटी है मेडागास्कर का, वहाँ पे जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। तो यानी मेडागास्कर आइलैंड में किया गया, याद रखिएगा। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज एम्बेसडर टू मेडागास्कर, कौन है वो? अभय कुमार, ठीक है, ये है इंडियाज एम्बेसडर टू मेडागास्कर, और मेयर है उनके बीच में ये जो है इनॉग्रेट किया गया है। और जो नेमिंग है इस पार्क की, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, ये जो है कि महात्मा गांधी को एक ट्रिब्यूट मतलब देने के लिए इसका नाम यहाँ पे ये रखा गया था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ होम एज अ नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक प्रपोजल दिया है कि किनको जो है अपॉइंट किया जाए आर्मी स्टाफ का नया वाइस चीफ जो है, इसको किसको अपॉइंट किया जाए? तो याद रखिएगा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को यहाँ पे नेक्स्ट वाइस चीफ बनाया जा रहा है आर्मी स्टाफ का। ओके, याद रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमने ये तो देख लिया कि ईस्टर्न आर्मी कमांडेंट जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, इनको वाइस चीफ बनाया जा रहा है न्यू आर्मी स्टाफ के। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भाई आपको ये भी बताना चाहिए कि चीफ कौन है आर्मी स्टाफ के, ठीक है, आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? अभी ये तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो चीफ कौन है? याद रखिए, चीफ जो है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है ये, मुकुंद नरवाने, इनको जो है ये जनरल मतलब ये आर्मी स्टाफ के चीफ है। और एयर स्टाफ के चीफ कौन है? एयर स्टाफ के चीफ कौन है? ये तो हमने आर्मी स्टाफ का देख लिया। एयर स्टाफ की याद रखिएगा, मार्शल विवेक राम चौधरी जी, मार्शल विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा कि नेवी स्टाफ। अब नेवी स्टाफ, ये तीन स्टाफ जो है आपको जाना जरूरी है, एक है आर्मी, एक है एयर, एक है नेवी। तो ये जो नेवी के हैं वो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ओके, एडमिरल आर हरि कुमार, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट था जानना आपके लिए। ओके, आगे बढ़े हमारे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच लिमिटेड हैज कमीशन 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ 50 MW ईच इन UP, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो कह रहे हैं कौन से कंपनी, कौन से लिमिटेड जो है ने कमीशन करा है 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि 50 MW के हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में इसको कमीशन किया गया, इसको ओपन किया गया। ओके, तो वो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, दैट इज TPREL। ये जो है इसने जो है अभी कमीशन किया है 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो कि 50 MW के हैं, एक प्रयागराज में किया और एक बांदा में किया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, यूपी की बात करें, यूपी के CM कौन है अभी? योगी आदित्यनाथ, सबको पता है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। ओके, आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर है। उसके बाद यहाँ पर पार्क कौन सा है? तो चंद प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा दुधवा नेशनल पार्क, बहुत फेमस है, सबको पता है। उसके बाद नेशनल चांबल सेंचुरी भी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, लेक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है। यहाँ पे इतनी जानकारी हमें ऐसे मिलती है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट बाई मंथली ई न्यूज़ लेटर। तो कौन से डिपार्टमेंट में बाई मंथली ई न्यूज़ लेटर जो है इसको लॉन्च किया है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? तो भाई याद रखिएगा, वो डिपार्टमेंट जो है वो है DEPWD, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जिनको जो भी डिसेबल्स पर्सन होते हैं उनका जो डिपार्टमेंट होता है, उनका जो डिपार्टमेंट है उसने जो है अभी लॉन्च किया बाई मंथली ई न्यूज़ लेटर। ओके, याद रहेगा, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये इसलिए ई न्यूज़ लेटर इसलिए इसको लॉन्च किया गया है ताकि ये अपना जो एक डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज़ है उसको शो कर सके एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म पे। ओके, ये आपका मेन पर्पज़ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। विच क्रिश्चियन डेमोक्रेट वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट।
यहाँ पे लिखा है कौन से क्रिश्चियन डेमोक्रेट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया है यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट का। ठीक है, तो रॉबर्टा मेट्सोला जो है ये क्रिश्चियन डेमोक्रेट है, कहाँ की, माल्टा की है। तो इनको जो प्रेसिडेंट बना दिया गया है यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट का, याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये रहे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आगे बढ़ते हैं हम, और हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए जरूर लेके आते हैं, और ये जो है आपके लिए होता है, इसको जरूर 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 सॉल्व किया करिए आप लोग, ये क्वेश्चन आपके लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन है स्लेट इज अ टाइप ऑफ विच रॉक, स्लेट जो होता है ना, जो स्लेट आप लिखते हो जिस पे बोर्ड पे स्लेट, तो वो कौन से तरीके का रॉक, किस तरीके का रॉक होता है, मेटामॉर्फिक, रेडिमेंट्री, इग्नियस या फिर वोल्केनिक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।